नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है जो अवैध हथियार रखने का शौक रखते हैं। ग्वालियर के 8 थानों की पुलिस ने 8 बदमाशों को पकड़ा है, जिनमें से सभी बदमाशों के पास से एक एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में जुट गई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, इसमें अलग अलग थानों में से 8 कट्टे 8 लोगों को पकड़ा है जो शौक रखते थे हथियार बनाने का। क्या क्या पूरी कार्रवाई की है सर? आदर्श आचार संहिता लोकसभा चुनाव के संबंध में लागू हो गई है और इस संबंध में जो है लगातार नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारी और सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराएं। जो इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नाके हैं वो नाकों को चालू किया जाए और जो जितने भी अवैध शस्त्र, अवैध शराब और जो असामाजिक तत्व हैं, जो सक्रिय गुंडे हैं, निगरानी बदमाश हैं, उनकी चेकिंग की जाए, उनकी परेड कराई जाए थाने में, उनका रिकॉर्ड अपडेट किया जाए, उनके फोल्डर तैयार किए जाएं जिससे कि लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन हो सके और निर्विघ्न और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके और एक आम मतदाता शांति से अपना वोट डाल सके। कल जो है 8 थानों में जो है करीब 8 अवैध हथियार कट्टे जब्त किए गए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई चेकिंग के दौरान, और शराब के भी करीब करीब सभी थानों में करीब 25-30 केस बनाए गए हैं आबकारी अधिनियम के। ढाबों पर जहाँ जहाँ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जहाँ ढाबों पे और जो जो संभावित स्थान है जहाँ पे अवैध शराब बिकती। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।